Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum, dear viewers. This is Tanveer Ahmed. Very warm welcome to you to my YouTube channel, Learning with Tanveer Ahmed. Dear viewers, as per promise, lecturer education ki taiyari ke silsila mein introductory video topics ke silsila mein chand din pehle upload ki thi. Us silsile mein detail mein taiyari ko discuss karne ke liye pehli short video आज मैं बना रहा हूं, आपके साथ शेयर कर रहा हूं. ये इसके बाद अलीगढ़ मूवमेंट की कंप्लीट वीडियोस भी बनाई जाएंगी. तो चलते हैं जी वीडियो की तरफ. लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए. इंशाल्लाह आइंदा बहुत अच्छी वीडियोज आने वाली हैं. सर सैयद अहमद खान, नेम इनका सैयद अहमद खान है, रियल नेम. बॉर्न, पैदा हुए जी 1817 में, डेथ इनकी 1898 में हुई अलीगढ़ में. अ ग्रेट रिफॉर्मर, बहुत बड़े एक मसले थे, रिफॉर्मर थे बहुत बड़े लेवल्स पर. इन्होंने मल्टीफेरियस शख्सियत थी इनकी, कई शोबे में बड़ा अच्छा काम किया. लेकिन हम डिस्कस करेंगे सिर्फ एजुकेशन के सिलसिले में. बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट थे. स्कूल ऑफ थॉट इनका इस्लामिक एंड रिनाइसा फिलोसफी. 1859 में इन्होंने गुलशन स्कूल कायम किया मुरादाबाद में. इंग्लिश वहाँ, अंग्रेजी, फारसी, इस्लामियात, अरबी, उर्दू, ये लाजमी मजामीन थे. फिर 1863 में इन्होंने विक्टोरिया स्कूल एट गाजीपुर, यानी विक्टोरिया स्कूल गाजीपुर में कायम किया. इंग्लिश, फारसी, इस्लामियात, अरबी, उर्दू, यहाँ भी लाजमी मजामीन थे. यानी इन्होंने इम्तिजाज पैदा करने की कोशिश की जदीद उलूम और जो हमारे रवायती मजामीन थे उनमें, और अंग्रेज़ों के साथ भी ये बनाकर रखना चाहते थे. इस वजह से इन्होंने विक्टोरिया नाम रखा स्कूल का. 1863 में ही इन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी फॉर मुस्लिम्स कायम की गाजीपुर में. डियर व्यूअर्स, ये कुछ ये साइंटिफिक सोसाइटी में डेट्स का कुछ 62 भी लिखा हुआ है, 64 भी लिखा हुआ है. ये हर जगह थोड़ा सा कंट्रास्ट है, लेकिन ज़्यादा तर मकान ये है कि 1863 में ये है. 1866 में अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गज़ट ये कायम किया. अ जर्नल, एक जरीदा था ये, वन पेज इन उर्दू द अदर इन इंग्लिश, जिसमें से एक सफ़ा अंग्रेजी में लिखा होता है, एक उर्दू में लिखा होता. डियर व्यूअर्स, सर सैयद अहमद खान जो थे वो अंग्रेज़ों के साथ बड़ी मसालियती पॉलिसी थी उनकी. उनके ख्याल में तरक्की करने के लिए जदीद तरीन जो लैंग्वेज है अंग्रेज़ी, इसको हासिल होना ज़रूरी था, इस पर अबूर होना ज़रूरी था ताकि मुसलमान अपने फातहीन की ज़ुबान में तालीम हासिल कर सकें, तरक्की कर सकें, फिर अपने मुल्क को आज़ाद करा सकें. बड़ी दूरस पॉलिसी थी उनकी. 1869 में सेंट हिज सन सैयद महमूद टू इंग्लैंड फॉर 17 मंथ्स टू स्टडी एजुकेशन सिस्टम देयर. अपने बेटे सैयद महमूद को इंग्लैंड भेजा, जिन्होंने वहाँ 17 माह क़याम किया और वहाँ का निज़ाम तालीम जांचा, परखा, देखा, मुआयना किया, सर्च की, रिसर्च की. ख़ास तौर पर ऑक्सफर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में इन्होंने ये निज़ाम का जायज़ा लिया. 1870 में तहजीबुल अखलाक एक रसाला जारी किया मुसलमानों की सियासत अखलाक की तरबियत के लिए. 1875 में MAO यानी मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल हाई स्कूल कायम किया. यहाँ भी इन्होंने इम्तिजाज पैदा करने की कोशिश की है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर भी नाम रखा है. मुसलमानों की नुमाइंदगी मोहम्मदन से की, एंग्लो की नुमाइंदगी यूरोपियन से की, ओरिएंटल मशरकी, हमारा जो मशरकी इकदार है इसकी नुमाइंदगी की, हाई स्कूल कायम किया. यानी इसमें तमाम मजामीन थे, पढ़ाए जाते थे, ट्रेडिशनल, रवायती, जदीद तर और सारे. 1877 में स्टेटस कॉलेज, इसी हाई स्कूल को कॉलेज तक बढ़ा दिया गया. 1886 में मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस कायम की इन्होंने, और 1921 में इसी MAO हाई स्कूल का दर्जा बढ़ते बढ़ते यूनिवर्सिटी तक चला गया. ये बिलखसूस मुस्लिम यूनिवर्सिटी थी. और दैट्स इट फॉर नाउ. होप यू हैव एंजॉयड वीडियो. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफिज़.